सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली 48 घंटों के लिए बंद होगा। शुक्रवार को स्कूल के 3 छात्र कोरोना संक्रमित निकले हैं, लिहाजा 3 बच्चों के संक्रमित निकलने के बाद हड़कंप मच गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होली के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक शर्मा ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली में बच्चों के कोविड-19 के टेस्ट किए। इस दौरान 3 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित विद्यार्थियों में 2 जमा 1 और 1 छात्र जमा 2 कक्षा का है। डॉक्टर विवेक ने बताया कि संक्रमित बच्चों को आइसोलेशन में भेजने के निर्देश दे दिए हैं। उधर सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली के प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने बताया कि 3 बच्चों के संक्रमित निकलने के बाद पाठशाला को 48 घंटों के लिए SOP के तहत बंद किया जा रहा है। दिव्य हिमाचल TV के लिए भरमौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट।